हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं कंचन शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं आपके इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म केडी लाइव पर। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लेंगे सेशन को, आ जाएंगे, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। किसकी? CHSL की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सीरीज आप लोगों की चल रही है, तो जल्दी से आ जाएंगे, जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लेंगे सभी। फटाफट आ जाओ, फटाफट। नमस्ते नमन, नमस्ते, सभी आ जाएंगे जल्दी जल्दी। कहाँ हैं भाई सब? आज मैं टाइम से हूं, आप लोग कहाँ हैं सारे के सारे, बताएंगे। चलिए देखिए आप लोगों के, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया था, ठीक है, ध्यान देंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज पेन चेंज कर लें क्या? यही वाला ठीक चलता है वैसे, चलो यही ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग विटामिन्स इज नोन एज नियासिन, ठीक है, कौन से विटामिन को हम क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्च 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आप लोग बताएंगे बिल्कुल, ऑप्शन आंसर देंगे, बिल्कुल नमन का ठीक आंसर है, विटामिन B2 होगा, विटामिन B1 होगा, B4 होगा, या फिर आपका B3 होगा। तो सही आंसर बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, आंसर जरूर करेंगे, ठीक है, फटाफट फटाफट से जल्दी से आ जाएंगे सभी। तो आप बताएंगे कि नियासिन जो हमारा विटामिन होता है वो हमारा कौन सा होता है। तो आप लोगों का बिल्कुल क्या होने वाला है, विटामिन B3 होने वाला है, बिल्कुल सही है, नियासिन इज योर करेक्ट आंसर, विटामिन B3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगर विटामिन B2 की बात करें, किसकी, विटामिन B2 की अगर बात करें तो क्या होगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, इधर से लिखूंगे, इधर से, चलो देखो B2 क्या होता है आपका, B2 होता है आपका राइबोफ्लेविन, ठीक है, B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। और इससे बीमारी कौन कौन सी होती है, क्रैक्ड स्किन, आपकी स्किन फटने लग जाती है, धुंधला दिखाई देने लग जाता है, ब्लड विजन, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, ये आप लोगों के ब्लड विजन, ठीक है, शायद आगे आपका 2021 डाला हुआ था, वो 2021 इसमें क्वेश्चंस दोनों हैं आपके, कुछ आपके अब 23 के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस इसमें 22 के आएंगे, इस वजह से आगे 21 लिखा हुआ था। वेरी गुड इवनिंग अनीश। चलिए बताएंगे, राइबोफ्लेविन आप B2 को भी बोलते हैं, ठीक है, और आपकी कौन सी बीमारियां होती है, क्रैक स्किन होती है, और दूसरी आपकी ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देता है, ठीक है। B1 आपकी क्या होती है, B1 आपकी होती है थायमीन, ठीक है, B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, और इससे होने वाला रोग कौन सा है, बेरी बेरी होता है इससे, बिल्कुल होता है, सभी को पता होगा, बिल्कुल ठीक है। B4 क्या होता है आपका, एडिनाइन, B4 क्या होता है, एडिनाइन बोलते हैं B4 को, और B4 क्या करता है आप लोगों का, B4 आप लोगों का कहां मिलता है, देखिए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स, कहां मिलता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियोटाइड्स, और जो कहां प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन DNA, जो कहां होते हैं आपके DNA में होते हैं, कहां होते हैं, DNA में, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था आप सभी का, चलिए बताएंगे, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, चलिए बताएंगे आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए बताएंगे इसमें से थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है, आपसे एग्जाम्पल पूछा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन इनमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा था 15 मार्च 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। देखो क्या है, एक फील्डर ने क्या किया, ये मैंने आप लोगों को क्लास में भी समझाया था, एक फील्डर ने क्या किया, अपने हाथों को इस तरीके से हम पीछे करते हैं तो वो हमारा थर्ड लॉ होता है या नहीं होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन ये था आप लोगों का, ठीक है। जब हम कैच पकड़ते हैं तो हम अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ करते हैं, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग रमेश, वेरी गुड इवनिंग। चलिए फिर आपको बताना है कौन सी एप्लीकेशन नहीं है, ये बतानी है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, कोलाइडिंग विद द प्लेयर, क्या हुआ, फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकराना और चोट लगना, ध्यान देंगे अच्छे से, ठीक है। तीसरा क्या है कि जैसे आपका क्या है कि जो आपकी सेलर है वो जंप कर रहा आगे की तरफ, उतना ही क्या करेगा, बोट आपकी पीछे की तरफ जाएगी, ठीक है, आपने ये एग्जांपल पढ़ा होगा थर्ड लॉ में, बिल्कुल। नेक्स्ट है आपका, गोली पर आग की ओर बल्ला
लगाना और बंदूक को पीछे हटाना, ठीक है? बंदूक चलाना, जितना प्रेशर आगे की तरफ लगता है उतना ही हमारे हाथ पे लगता है। इसका आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स, चलो बताओ सभी आंसर देंगे। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, सभी स्टूडेंट्स आ गए हैं क्लास में, अब फटाफट फटाफट से आप लोग जवाब देते रहेंगे। देखिए एक बात बताओ, नमन, नमन ने आंसर दिया है बी, अनीश ने आंसर दिया है बी। एक बात बताएंगे कि जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला इसने बी में, देखो बी आपके लोगों के लिए डाउट हो रहा है कि क्या किया, फुटबॉल को किक मारते समय खिलाड़ी से टकराना और चोट लगना। क्या हुआ कि हम क्या कर रहे थे, दौड़ रहे थे, एकदम से हमारी किसी से टक्कर हुई और हमें चोट लग गई। क्या हुआ, ये थर्ड लॉ हुआ या नहीं हुआ, आप लोग बताएंगे। जब हम किसी से टकराएंगे तो जितनी तेजी से हम टकराएंगे उतनी ज्यादा चोट हमें लगेगी, तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल बिल्कुल है, क्योंकि एक्शन भी हो रहा है रिएक्शन भी हो रहा है। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो बी आपका आंसर नहीं होगा। आप लोगों का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं है, ये आप लोगों का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। बताइए क्लियर है सभी स्टूडेंट्स, आंसर क्लियर हुआ है ये वाला क्वेश्चन। अब डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। भाई एक बात बताओ, जितनी तेजी से हम किसी से टकराएंगे उतनी तेजी से हमें चोट लगेगी नहीं लगेगी, तो एक्शन और रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ, बताओ हुआ, बिल्कुल हुआ, तो बताओ क्लियर हो गया। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी को पता होगा क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हम स्टेट में, हम रेस्ट में रहेंगे जब तक हम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, हम मोशन में रहेंगे जब तक हम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ये आपका क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून अंजू, वेरी गुड आफ्टरनून सौरभ, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को, बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कल भी पढ़ाया था, अब देखना क्वेश्चन रिपीट होने की टेंडेंसी क्या होती है वो समझ आएगी आपको इस क्लास में। कल बताइए, मैंने आपको कल ये सेम क्वेश्चन पढ़ाया था और कल भी ये एग्जाम में था और आज भी ये एग्जाम में है, सबसे पहली बात। ठीक है, देखेंगे, डैश स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस। ठीक है, आपको क्या बताना है कि आपको मैंने कल एक इक्वेशन लिखवाई थी आर वन अपॉन आर टू, ठीक है, इस तरीके से एम टू बाय एम वन, ये क्वेश्चन किसकी लिखवाई थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया आंसर एकदम सही आ भी गया है। चलिए क्या होगा, आपसे पूछा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली स्क्वायर टू द मोलर मास, मोलर मास के ये स्क्वायर से आपकी होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन। बिल्कुल सभी का सही आंसर आया है, वेरी गुड। ठीक है, कल मैंने सारे लॉ करवाए थे आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा, ग्राहम्स लॉ हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राहम्स लॉ इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये वाली इक्वेशन याद रखेंगे, कई बार ये भी एग्जाम में दे देगा, पूछ लेगा किसकी इक्वेशन है। ठीक है, चलो अब इसको हटा देते हैं, हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे टिंडल्स लॉ। अब टिंडल्स लॉ क्या होता है, टिंडल्स ऑफ लॉ में क्या होती है आपकी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का फैलना। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलोडियल सिचुएशन सॉल्यूशन। ठीक है, कोलोडियल सॉल्यूशन में लाइट हमारी स्कैटर करनी कौन सा इफेक्ट कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, चलो पास्कल्स लॉ क्या होता है, पास्कल्स लॉ आप लोगों का होता है जो क्या कहता है कि प्रेशर, ठीक है, ध्यान देंगे बिल्कुल वर्ड्स पर, कि जो आपका प्रेशर होगा उसे आप किसी भी फ्लूड पर लगाएंगे तो वो आपका क्या होगा, सारी ही डायरेक्शन में सेम होगा। क्या होगा, जितनी भी डायरेक्शन होंगी उन सभी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, ये सेम होगा। तो ये आपका क्या होता है, पास्कल लॉ होता है। क्या होता है, पास्कल लॉ होता है। ठीक है, वाह, मन की रानी मनीषा इतने बड़े बड़े कमेंट लिखेंगे तो कैसे देखेंगे, छोटे छोटे कमेंट लिखेंगे तो बिल्कुल। ठीक है, एक बार मेरा ले भी लिया, चलो ठीक है। कैपलर्स लॉ, कैपलर्स लॉ क्या करता है आपका, ध्यान देंगे। ठीक है, कैपलर्स लॉ क्या करता है आपका, प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स क्या करते हैं आपके, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे ऑर्बिट में करते हैं, देखो
आपके कभी भी प्लैनेट सर्कुलर उसमें रोटेट नहीं करते हैं, कोई भी ये नहीं बोलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपके प्लैनेट्स का क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं रिवॉल्व। कैसे करेंगे, हमेशा इस फॉर्मेट में करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट इसको बोलते हैं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, प्लैनेट्स आपके रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन को फोकस रखकर, ठीक है। सन को क्या होगा, सन को ध्यान में रखते हुए प्लैनेट्स हमारे क्या करते हैं, घूमते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट में, घूमते हैं बिल्कुल, ठीक है। सर्कुलर नहीं होता है कभी भी। चलिए क्लियर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। चलो बताएंगे, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए सभी स्टूडेंट्स लाइक करके जाएंगे सेशन को, सभी कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। सेशन को अच्छा लगता है अच्छा बोलेंगे, खराब लगता है खराब बोलेंगे, इट्स ओके। जो आप लोगों का ओपिनियन होगा वही लिख कर जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइलम एनेलिडा। कल भी बताया था फाइलम से क्वेश्चन आता ही आता है, ढंग से पढ़ेंगे। देखो फाइलम आपको क्या बताना है, एनेलिडा का कौन सा एग्जाम्पल है। देखो हुकवॉर्म है, फिलेरिया है, अर्थवॉर्म है, या फिर आपका राउंड वॉर्म है। सही आंसर बताएंगे क्या होगा आप लोगों का, चलिए बताइए। थैंक यू सो मच नमन, थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले आज नमन का ही कमेंट आया था जब तक क्लास नहीं ऑन हुई थी। चलिए क्या बताएंगे, फाइलम एनेलिडा कौन सा है आपका, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म आपकी कौन सी कैटेगरी से है, एनेलिडा से है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। बाकी के भी बताएंगे भाई कौन से हैं, ठीक है। बाकी के क्या है, हुकवॉर्म। हुकवॉर्म किस में आता है, नीमेटोड्स। किसमें, नीमेटोड्स, ठीक है। एक और बात याद रखेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या दे दिया हमें, एस्केल्मिन्स दे दिया, मैम ने तो निमेटोड्स पढ़ाए थे हमें। अब इस बात पे ध्यान देंगे कि एस्केल्मिन्स को ही क्या बोला जाता है, निमेटोड्स बोला जाता है, इसलिए बिल्कुल भी अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ये हो या फिर आपका निमेटोड्स हो, दोनों ही वर्ड्स एक ही हैं। अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इन दोनों वर्ड्स में, ठीक है। चलिए अब क्या है, हुकवॉर्म आपका किसका एग्जाम्पल है, नीमेटोड्स भी बोल सकते हैं, एस्केल्मिन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगेन फिलेरिया वॉर्म भी आपका किसका एग्जाम्पल है, नीमेटोड्स का, अब आप लोग लिख लेंगे। राउंड वॉर्म किसका एग्जाम्पल है, अगेन आपका नीमेटोड्स का। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा फाइलम में आता है, फाइलम का नाम देगा एग्जाम्पल देगा, आप लोगों को बताना होगा क्या सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। आपको बताना है ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, जो आपके फैट के डाइजेशन में मदद करते हैं, फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे कौन से एंजाइम्स हैं। चलो सभी आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, लाइपेज होगा, एमाइलेज होगा, ट्रिप्सिन होगा, या फिर राइबोन्यूक्लीज होगा। चलिए सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल गोलू, डेली क्लास होती है हमारी 3 बजे, डेली लाइव रहती है केडी लाइव पर, ठीक है। डेली लाइव रहती है केडी लाइव पर, क्या लाइन बनी है। चलो बताएंगे फैट्स का ब्रेकडाउन कौन करता है, बिल्कुल बिल्कुल जतिन का सही आंसर है, अतुल का सही है, आंसर्स कहेंगे सभी। थैंक यू सो मच अंजू। लाइपेज, लाइपेज आपका क्या होता है, लाइपेज हमारे फैट्स का ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है, हमारे फैट्स का ब्रेक डाउन कौन करता है, फैट को डाइजेस्ट कौन करते हैं, लाइपेज एंजाइम्स करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, आगे भी देख लेते हैं। एमाइलेज क्या करते हैं, एमाइलेज में ब्रेक डाउन होता है किसका, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है आप लोगों का, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर ट्रिप्सिन की बात की जाए तो ट्रिप्सिन क्या पचाते हैं, ट्रिप्सिन ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। थैंक यू सो मच टीनू। चलिए बताएंगे ट्रिप्सिन, क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबो न्यूक्लीज के बारे में। राइबो न्यूक्लीज आपका क्या होता है, राइबो न्यूक्लीज
देखिए इस वाली क्लास में गोलू सिर्फ आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है? ये टॉपिक वाइज हमारी अलग क्लासेस चल रही हैं, वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइबो न्यूक्लियस, राइबो न्यूक्लियस क्या होगा आपका, ये क्या करता है, आरएनए को, ठीक है, हमारे आरएनए को डिग्रेड भी करता है, ठीक है? मतलब इसकी पूरी फंक्शनिंग किसके ऊपर होती है, आरएनए के ऊपर होती है। आरएनए का ट्रांसफॉर्मेशन करना, आरएनए का डिग्रेडेशन करना, आरएनए को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है, सारा काम इसका किस पे होता है, आरएनए पर ही होता है, राइबो न्यूक्लियस का, ठीक है? चलिए, फैट्स का डाइजेशन आपका कौन करते हैं, लाइपेज करते हैं। स्टार्च का कौन करते हैं, एमाइलेज करते हैं। प्रोटीन्स का कौन करते हैं, ट्रिप्सिन करते हैं, ठीक है? तो आपका आंसर क्या होगा, लाइपेज होगा। फैट्स आप लोगों से पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, याद हो गया क्वेश्चन, बताएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बतानी है, ऐसी कौन सी टेक्निक इनमें से नहीं है, ठीक है, जो क्या करती है, जो आपके नॉर्मल पानी को पीने वाले पानी में कन्वर्ट नहीं कर सकती, ठीक है? चलो बताएंगे क्या होगा, बताएंगे। देखिए, फिल्ट्रेशन होगा, ब्रोमिनेशन होगा, बॉइलिंग होगा, या फिर आपका क्लोरीनेशन होगा, ठीक है? सही बात बताएंगे इसका, कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जो हम पानी को साफ करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, क्या आएगा, फिल्ट्रेशन आपका सही आंसर होगा, ब्रोमिनेशन, बॉइलिंग, क्लोरीनेशन, सभी को आंसर आता होगा ये वाला तो, आई थिंक। राधे राधे अनवी, राधे राधे, सभी टाइम से आया करो क्लास में। देखो 6-5 क्वेश्चन निकल गए, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। देखिए, फिल्ट्रेशन सभी को पता है, पानी को साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, फिल्टर पेपर्स लगाए जाते हैं, फिल्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है? आंसर क्या होगा, ब्रोमिनेशन आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है? बॉइलिंग, पानी को हम उबालते हैं, जहां पर देखिए कई जगह ऐसी हैं जहां पर अभी फिल्टर्स नहीं लगे हैं, गांव है या बैकवर्ड प्लेसेस हैं कुछ, लेकिन वहां पे क्या किया जाता है, अगर कोई बीमार हो जाए तो बोलेंगे कि पानी को गर्म करके पियो, ठीक है? बिल्कुल, तो आराम करेंगी आप, बिल्कुल। देखिए, ठीक है, बॉइलिंग समझ आई, बॉइलिंग क्या कर, हमें पानी को उबालना है साफ करने के लिए। क्लोरीनेशन क्या होता है, कि हम इसमें क्या करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं पानी में, जिसकी मदद से क्या होता है कि कोई भी बैक्टीरिया हो पानी में, कोई भी वायरस हो, सब क्या हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है? क्या हो जाता है, सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, क्लोरीनेशन होता है। ब्रोमिनेशन क्या होती है, अब इसको जानेंगे। ब्रोमिनेशन क्या होता है, जिसमें आपका ब्रोमीन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है? ब्रोमीन कंपाउंड आपका इसमें यूज किया जाता है। ये हमारा कहाँ यूज होता है, एल्कीन्स में, कहाँ यूज होता है, एल्कीन्स में और एल्काइन्स में। लेकिन आप लोग एक बात बताएंगे कि जो हमारा वाटर होता है H2O, ठीक है, ये हमारा एल्कीन और एल्काइन की फॉर्म नहीं होती, इस वजह से हम ब्रोमिनेशन को यहां पर यूज नहीं करते हैं, ठीक है? क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। देखिए, हाँ, बीमार है आप, आराम करेंगी, खूब अच्छा अच्छा खाएंगी, तंदुरुस्त हो जाएंगी जल्दी से। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट्स डज द सैटेलाइट सर्कल अर्थ डायरेक्टली अबव द इक्वेटर। आपको बताना है कि इक्वेटर के जस्ट आपके एकदम सीधे ऊपर कौन सी सैटेलाइट है, ठीक है? ये बतानी है कौन सी ऑर्बिट है आपकी, सन ऑर्बिट है, लो ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी या नो स्टेशनरी ऑर्बिट है। चलिए, अब सही आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। आप लोगों को बताना है कि इक्वेटर के जस्ट ऊपर आपकी कौन सी ऑर्बिट है, ठीक है? बिल्कुल, सौरभ का एकदम ठीक आंसर है, वेरी गुड। देखिए, सन ऑर्बिट क्या होती है, जो हमारी ऑर्बिट क्या होती है, जैसे हमने ये सन माना और सन के आसपास हमारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो उसकी जितनी ऑर्बिट है आसपास की, वो क्या होगी आपकी, सन ऑर्बिट होगी। क्लियर है, आगे देखेंगे। लो ऑर्बिट क्या होती है, देखो ध्यान देना, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है? चलिए, देखो लो ऑर्बिट, इसको हम LEO भी बोल सकते हैं, और LEO क्या होता है, लो अर्थ ऑर्बिट, क्या है, लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट। हाँ बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका एकदम सही आंसर है, सभी स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है? लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, ये हमारी लो ऑर्बिट होती है। इसमें जो आपका क्या होता है, कितनी ऊंचाई पर होती है हमारी अर्थ से, ये होती है 400 किलोमीटर से लेकर के कहाँ तक, 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर। यहाँ पर बहुत सारी आप लोगों की क्या की जाती है, सैटेलाइट्स
इंस्टॉल की जाती हैं, बहुत सारी सैटेलाइट्स लगाई जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? क्लियर होगी? लो अर्थ ऑर्बिट, बिल्कुल। ठीक है, स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी आप लोगों को सभी को पता होगी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी है जो क्या कब कितनी दूरी पर लगाई जाती है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगाई जाती है ना, इसी पे होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। अगर मैं बात करूं किसकी, नो स्टेशनरी, नो स्टेशनरी को देखेंगे, नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ध्यान देंगे, नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ए हट जाओ। ठीक है, चलो इसको और क्या बोलते हैं, नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स। ये कौन से हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, क्या होते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स होते हैं, जिनकी हाइट कितनी होती है, जो कितनी हाइट पर होती है आपकी, ये 2000 तक होती है, ये 8000 से लेकर के 20,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है। और ये सारी ही जगह क्या होती है, अलग अलग तरीके की आपकी क्या होती है, अलग अलग तरीके की आपकी सैटेलाइट यहाँ पर लगाई जाती हैं। बताइए, क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? क्लियर हुआ सभी को? बाहर थोड़ा सा काम चल रहा है तो कई बार मशीन चलने लग जाती है तो आवाज में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए बताएंगे सभी, जियो नॉन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स हो गए। ठीक है, बताओ क्लियर है, आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ आया? आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप लोग मुझे बताएंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कौन से ग्रुप में आते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 16 में आते हैं, 15 में आते हैं, 13 में या फिर 17 में। चलिए सब बताएंगे कौन से ग्रुप में ये आते हैं, बताइए। बिल्कुल सौरभ का एकदम ठीक आंसर है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए सभी आंसर करेंगे। देखिए ग्रुप 16 में कौन आते हैं, ग्रुप 16 में आपका ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और सल्फर आपका आता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप लोग बताइए कि ऑक्सीजन फैमिली जो है, ठीक है, वो आपकी कौन सी ग्रुप में आती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ग्रुप में आती है, ग्रुप 16 में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुप 15, ग्रुप 15 में आपकी कौन सी फैमिली आती है, नाइट्रोजन का पूरा परिवार आता है, तो नाइट्रोजन फैमिली आपकी किस में आती है, ग्रुप कौन सी ग्रुप में आती है, 15 में आती है। ठीक है, ग्रुप 13 में कौन सी फैमिली आती है, बोरोन फैमिली आती है। फैमिली क्या है यहाँ पर, मैं एक वर्ड लिख रही हूँ, परिवार, फैमिली क्या है यहाँ पर। और ये ग्रुप 17 तो आप लोगों को पता ही है क्या होते हैं, ग्रुप 17 बताओ जल्दी, हेलोजेंस होते हैं, क्या होते हैं, हेलोजेंस होते हैं। चलो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, बताइए क्लियर है, हेलोजेंस होते हैं। ये जो फैमिली वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पर, अब आप लोग कहेंगे मैम आप फैमिली फैमिली लिख दिया, फैमिली क्या है यहाँ पर। ठीक है, फैमिली क्या होती है कि आपके जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे ग्रुप 16 के, ग्रुप 15 के, तो उनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के सेम होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं फैमिली, क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। बताइए फैमिली वर्ड क्लियर हुआ, क्या है फैमिली। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन हो गया, आंसर आप लोगों का क्या था, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, देखिए 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए ये कब आया था आपका, 25 मई 2022 को ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे क्या है इसमें, देखिए आपको बतानी है, खतरनाक क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, आर्टिफिशियल कलर्स होते हैं जो ऐड किए जाते हैं सॉस में, ऐड किए जाते हैं, सॉस खाते हो, सूप पीते हो, ब्रॉथ्स हो गए आपके, बेकरी हो गए, सब आइटम्स में क्या होता है, आप लोगों को पता होगा मार्केट में जितनी आइटम्स ऑलमोस्ट अवेलेबल होती है सब में कलरिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, वो कलरिंग एजेंट कौन सा है, यही पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है,
कौन सा होता है, एसिड फक्सिन होता है, या फिर आपका ऑरेंजी होता है, ऑयल रेड ओ होता है, या फिर आपका क्यूनोलीन येलो होता है। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। बिल्कुल हाँ, जतिन का सही है, सौरभ का ठीक है और रैंडम का ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ठीक है चलो आगे देखेंगे। देखिए एसिड फक्सिन, वैसे तो ये सारी ही चीजें आपकी डाई में भी यूज होती हैं। किसमें? डाई में भी यूज होती हैं। एसिड फक्सिन आपका पीएच इंडिकेटर, एज अ पीएच इंडिकेटर भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, एक यूज इसका ये भी होता है। दूसरा है, दूसरा बताएंगे। देखिए ऑरेंजी, ऑरेंजी आपका क्या होता है? वाह ध्रुव राठी, क्या क्या सवाल आया है बताइए, कितना खतरनाक सवाल है। आप लोग ही जवाब दे दीजिए सवाल का। और देखिए एसिड फंक्शन क्या हो गया? पीएच इंडिकेटर, ठीक है, पीएच इंडिकेटर होता है। ऑरेंजी आपका क्या होता है? चलिए बताएंगे। ऑरेंजी से हमारी क्या होती है? डीएनए की टेस्टिंग हो सकती है। क्या हो सकती है? डीएनए की टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, पहली बात। चलिए ऑयल रेड, ऑयल रेड की अगर हम बात करेंगे, ऑयल रेड आपका क्या होगा? देखिए ऑयल रेड का मतलब आपका ये क्या करता है, ये टेस्ट करता है किसको? हमारी बॉडी में जो भी हमारे लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स, लिपिड्स मतलब फैट, ठीक है, फैट, और किसको? कोलेस्ट्रॉल को। टेस्ट करता है ये हमारी बॉडी में कितने लिपिड्स, फैट प्रेजेंट है, कितना कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, तो उसके लिए इसका एक टेस्ट किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है। ठीक है चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा, क्यूनोलीन येलो, ये आपका यूज होता है एज अ कलरिंग एजेंट। ठीक है चलिए बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। चलिए बताइए, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़े क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको बताना है एका एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या बताना है? एका एल्यूमिनियम। वाह देखो सारे बच्चों ने कितना अच्छा अच्छा जवाब दिया है। देखिए विच एलिमेंट रिप्लेस द एका एल्यूमिनियम को कौन से एलिमेंट ने रिप्लेस किया है, ये बताना है। बोरोन है, जर्मेनियम है, ठीक है, इसको जर्मेनियम लिख लेंगे। गैलियम है या फिर सोडियम है? चलो सही आंसर देंगे, एका एल्यूमिनियम आपका किसका है? चलिए बताइए, जल्दी बताएंगे। रैंडम का आंसर आया है सी। हाँ और बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड। ठीक है सी आंसर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। संध्या, अंजू, ठीक है, सभी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया। क्या होगा? गैलियम, गैलियम आपका बिल्कुल ठीक होगा। एका एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या है? एका एल्यूमिनियम, इसको ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है तो ध्यान देंगे इस बात पे। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है आपको? देखिए जर्मेनियम, ठीक है, एक आपका होता है स्कैंडियम, ध्यान देंगे। स्कैंडियम, स्कैंडियम आपका क्या होता है? स्कैंडियम आपका होता है एका बोरोन। स्कैंडियम क्या होता है? एका बोरोन। अगर पूछा जाए एका बोरोन, ठीक है, क्या है आपका? स्कैंडियम उसका नाम। अगर किसका पूछा जाए? एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के लिए आपका कौन सा है? जर्मेनियम है। ये तीन ही एलिमेंट थे जिनके आगे एका लगाया गया था। चलिए बताएंगे सभी, बताएंगे सभी, ठीक है। आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन था एका एल्यूमिनियम किसको बोलते हैं? एका एल्यूमिनियम गैलियम को बोलते हैं। तीन ही एलिमेंट इसमें आने थे, ठीक है, क्या आने थे? एका बोरोन स्कैंडियम को बोलते हैं, एका सिलिकन जर्मेनियम को बोलते हैं। बताइए क्लियर है सभी को? सोडियम, सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11। ठीक है चलो बताओ, सी राइट होगा, बिल्कुल। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे याद कर लेना, पेपर में आ सकते हैं। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। आपको जीई बताना है इनमें से किसका सिंबल है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, लॉटरी वाले क्वेश्चंस, मैं इन्हें बोलती हूँ। कैसे क्वेश्चन है? लॉटरी लग जाती है अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो। क्या होगा आपका? ये देखो लॉटरी वाला क्वेश्चन, गलत कैसे कर सकता है कोई, बताओ जल्दी सौरभ। ठीक है, 26 मई 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है देखो जीई पूछा है बेटा, जीई,
क्या है? जर्मेनियम। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल। गैलियम, गैलियम का क्या होगा? जी ए। गोल्ड का क्या होगा? ए यू। जर्मेनियम का क्या है? जी ई। ठीक है, और गैडोलीनियम का क्या है? जी डी। बताइए, क्लियर है? चलो, गैलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 31। एटॉमिक नंबर कितना है? 31। ठीक है, एल्यूम उसका, गोल्ड का कितना होता है? 79। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर 79। जर्मेनियम का कितना होता है? 32। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 32। अगर गैडोलिनियम की बात करें तो कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 64। 64। चलिए बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है। ठीक है, देखो इससे मतलब हमें क्या पता चलता है कि पीरियोडिक टेबल आप लोगों के लिए केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो पढ़ के जानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये पता चलता है कि पेपर में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, 26 मई 2022 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि ऐसे एलिमेंट आपको बताने हैं जो नॉन रिएक्टिव है, मोनो अटोमिक है, कल ही बताए थे मोनोटॉमिक भी, और जिनका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, आपको बताना है ग्रुप 18 में आएंगे, 16 में आएंगे, 15 में आएंगे, या फिर ये 13 में आएंगे। चलो बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, मोनोअटोमिक बताएंगे। कल बताया था मैंने आप लोगों को, कौन सा एलिमेंट बताया था? हीलियम। हीलियम आपका क्या था? मोनोअटोमिक था। बिल्कुल याद आ गया सभी को, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ग्रुप 18। ग्रुप 18 आपकी कौन सी होती है? नोबल गैसेस होती हैं। कौन होती हैं? जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो आपकी ग्रुप 18 में प्रेजेंट होती हैं। क्रिप्टोन, ज़ेनोन, रेडोन, हीलियम, ये सब आपकी नोबल गैसेस होती हैं। ठीक है, चलो, ग्रुप 16 क्या है? ऑक्सीजन फैमिली, अभी हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। ऑक्सीजन फैमिली पूछी जाएगी, कौन से ग्रुप में आती है? ग्रुप 16 में आती है। ठीक है, चलिए आगे बताएंगे, ग्रुप 15 बताएंगे, बताएंगे ग्रुप 15। ग्रुप 15 आपकी कौन सी फैमिली थी? आप लोग आंसर लिखते जाएंगे, नाइट्रोजन फैमिली, अभी बताई थी थोड़ी देर पहले। ठीक है, नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 13 कौन सी फैमिली थी? बोरोन का परिवार था, तो बोरोन फैमिली, बताइए, है ना? अभी बताया था, बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया। आगे बढ़े, चलिए बताएंगे सभी, आगे बढ़े, बताइए। चलो 13 क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है ऐसा कौन सा सेल है इनमें से जो आपके कैसा शेप का है? अमीबा शेप का है। ठीक है, जिसकी शेप अमीबा जैसी है, तो इसका आंसर देंगे सभी, नर्व सेल्स होंगे, या फिर एपिथेलियल सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, या फिर आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे। सही आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, अमीबा शेप। नहीं, क्या कर रहे हो? देखिए, नर्व सेल्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स क्या करते हैं? नर्व सेल्स हमारे माइंड में क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को लेते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं, फिर हमें वो ज्ञान मिलता है। ठीक है, तो ये तो नर्व सेल्स का काम हो गया, ध्यान देना इस बात पे। आंसर इसका ये नहीं है, आंसर है इसका WBC, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, WBC होते हैं, डी ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। बताइए, एपिथेलियल सेल्स हमारे क्या होते हैं? एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारी स्किन के सेल्स, हमारी स्किन जो बनी हुई है बाहर से अंदर से, तो ये जो सेल्स हैं हमारे, तो ये कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स इन्हें बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। रेड ब्लड सेल्स सभी को पता होगा, रेड ब्लड सेल्स हमारी लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं? पूरे ट्रांसपोर्ट करती है हमारे खाने को, हमारी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में रेगुलेट करने का काम करते हैं। कौन? आरबीसीज करते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं? इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। बताओ, करते हैं?
ठीक है, तो ये कौन करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें, रेड ब्लड सेल का साइंटिफिक नेम क्या होता है? बिल्कुल याद रखेंगे, एरिथ्रोसाइट्स। क्या होता है आपका? हिंदी में लिखो, इंग्लिश में बताओ, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, अगर मैं किसकी बात करूं? व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो व्हाइट ब्लड सेल्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है आपका? ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। चलिए वाह, अब नहीं बोलूंगी, बहुत गंदे बच्चे हो तुम लोग। हाँ बताओ, समझ आया? बताओ, नर्व सेल समझ आए? नर्व सेल क्या करते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन जो हमने बाहर देखा, वो हमने क्या किया? वो हमने इंफॉर्मेशन ली, ठीक है, उसके बाद हमारी ब्रेन नर्व सेल्स ने क्या किया? उसको प्रोसेसिंग किया, फिर हमें वो समझ आई, फिर वो हमारी बॉडी ने, ब्रेन ने हमें दी। ठीक है, ये तो नर्व सेल का काम हो गया। एपिथेलियल सेल्स हमारे बॉडी जिससे बनी हुई है, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन फूड सबका ट्रांसपोर्टेशन करना, व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, जिसके व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे होंगे वो बीमार कम पड़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून दीपक, चलिए बताइए, क्लियर है, समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चलिए पढ़े, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, चलो पढ़ते हैं, लेकिन क्या क्या पूछा गया है? चलिए, आपसे पूछा है कौन सा आपका स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है, कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर कर रहे हैं? 320 पर। ठीक है, अब क्या करता है प्लाज्मा? क्या करता है ये पूछ रहे हैं, रैंडम। देखिए प्लाज्मा आपका क्या करता है? प्लाज्मा आपका जो होता है ब्लड में, हमारा ब्लड जो बह रहा है, मतलब हमारे ब्लड की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है? लिक्विड है। जो हमारे ब्लड का तरल पदार्थ है वही क्या होता है? प्लाज्मा होता है, जो हमारे रक्त को बहने में मदद करता है, लिक्विडिटी प्रदान करता है हमारे ब्लड को, उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो व्हाइट रेड ब्लड सेल्स हो गए वो भी सॉलिड होते हैं। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो भी सॉलिड होते हैं, प्लेटलेट्स भी हमारी क्या होती हैं? हमारी सॉलिड होती हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स भी हमारी क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। इस वजह से बताइए, क्लियर है? प्लाज्मा समझ आया, रैंडम। चलिए आगे बढ़े, अब हटा देते हैं इसको, चलो अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन बताएंगे, आंसर बताया किसी ने? आरएनए का बेटा फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए। अब क्वेश्चन पढ़े, चलिए, ए प्लेटलेट्स क्या करती है? अब ये छोड़ के वही सब बताने लग जाऊं, बताओ जरा, जब वो क्वेश्चन आएगा तब पूछना। देखो, विच इज अ स्लो कुकिंग प्रोसेस, एक बहुत ही धीरे धीरे एक स्लो कुकिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, अभी बता दूंगी, टाइम बचेगा तब, ठीक है, दोबारा पूछ लेना। ठीक है, इसमें बोला है कि ये क्या करता है? रिमूव वाटर, वाटर को रिमूव करता है किसमें से? शुगर से। ठीक है, रिमूव करता है कहाँ से? शुगर से। उसके बाद आपका ब्रेकडाउन करता है शुगर को किसमें? पॉलीमर्स में बदलता है। कैसे बदलता है? मीठा लगेगा, नटी लगेगा, बिटर लगेगा। अब मैं आप लोगों को एक आसान भाषा में बताती हूँ ये पूछना क्या चाह रहा है। आपका ना एक कुकिंग प्रोसेस होता है जो आपके खाने को ना रिच, क्रीमी, पटरी टेक्सचर प्रदान करता है, तो उसका नाम बताना है कि वो क्या है। अब आप लोगों ने बहुत बार खाया भी होगा, चलिए बताएंगे। जेलेटिनाइजेशन होती है ये प्रोसेस, डेक्सट्रिनाइजेशन ये प्रोसेस होती है, या फिर कैरेमलाइजेशन प्रोसेस होती है, या फिर मैलार्ड रिएक्शन होती है। चलो बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, बताएंगे। बताओ, आप लोग एक बात बताओ मुझे, फाइव स्टार खाई है नहीं खाई है? खाई है सभी ने? फाइव स्टार में जब हम खाते हैं तो आप देखेंगे कि जब उसे तोड़ते हैं तो एक आपका क्या होता है? क्रीमी टेक्सचर आपको फील होता है ना? तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैरेमल प्रेजेंट होता है। क्या है? कैरेमल होता है। तो ये प्रोसेस आपका क्या हो गया? कैरेमलाइजेशन ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, समझ आया क्या था? ठीक है, देखिए जेलेटिनाइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, नए वर्ड्स हैं सारे ही और आप सभी के लिए ये वर्ड्स नए होंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे इनका मतलब क्या होता है। जेलेटिनाइजेशन आपका क्या होता है कि जो भी आपके खाने को कैसा बनाता है?
थिक बनाता है। कैसा बनाता है? आपके खाने को थिक बनाता है। थिक बनाने का मतलब कैसे बनाएगा? जो आपका स्टार्च प्रेजेंट होगा खाने में, ठीक है? स्टार्च क्या करता है? सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है? पानी को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? फूल जाते हैं। अब आप लोग ध्यान देंगे, लड़कियों को बिल्कुल पता होगी ये वाली बात, क्योंकि लड़कियां खाना बनाती हैं, थोड़ा बहुत तो बनाती हैं, ज्यादा नहीं बनाती, तो लड़कियां इस बात का जवाब बिल्कुल दे पाएंगी कि क्या होता है कि जब हमें ग्रेवी को गाढ़ा करना होता है तो कई बार उसमें मक्के का आटा मिला दिया जाता है, कई बार उसमें बेसन मिला दिया जाता है, तो क्या करते हैं? ग्रेवी को थिक कर देते हैं ऐसे मिलाकर। तो वही जो थिक करने का प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं क्या? जेलेटिनाइजेशन। बताओ, जेलेटिनाइजेशन समझ आया? जिसको भी खाना बनाने का शौक है वो समझ जाएगा। बताइए, लड़के भी खाते हैं, लड़कियां ही बनाती हैं। डेक्सट्रिनाइजेशन, पहला पॉइंट समझ आया सभी को? नेक्स्ट बताएंगे डेक्सट्रिनाइजेशन क्या होता है। चलिए इसको देखेंगे। देखो, जब आप लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे इस पे बिल्कुल, ब्रेड को सेकते हैं। जब आप क्या करते हैं? ब्रेड को सेकते हैं। ब्रेड में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा क्या प्रेजेंट होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, ठीक है? क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च भी बोल सकते हैं अगेन इसको भी, ठीक है? स्टार्च आपका प्रेजेंट होता है। जब आप लोग ब्रेड को तवे पर सेकते हैं तो उसका, आपने सेकते हैं तो क्या हो जाता है? वो आपका ब्राउन हो जाता है। क्या हो जाता है? आपका ब्राउन हो जाता है एकदम से। बताओ, होता है नहीं होता है? ब्राउन होता है नहीं होता है? बताइए, हो जाता है। जब आप ब्रेड को सेकते हैं वो ब्राउन हो जाती है। ब्राउन क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसे क्या बोलते हैं? पॉलीसेकराइड्स बोलते हैं। ये आपका टूट जाता है किसमें? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। तो इसी वजह से वो आपकी जो ब्रेड होती है वो कैसी हो जाती है? ब्राउन हो जाती है, ठीक है? बताइए, ये आपका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डेक्सट्राइनाइजेशन होता है। बताएंगे, समझ आया? समझ आया सभी को? आप लोगों के लिए नए वर्ड्स होंगे इसलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे आप लोगों को समझ आए। आगे ठीक है, नमन। देखिए नेक्स्ट है मैलार्ड रिएक्शन। मैलार्ड रिएक्शन क्या होता है? कभी आप ना बेकरी की शॉप के आसपास जाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आती है। बिस्किट बन रहे हो कहीं पर, ठीक है? बिस्किट वाले पे जो बेकरी होती है ना, जहां पर बिस्किट बनती है वहां पर बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो वो इसी रिएक्शन की वजह से आती है। आप बेकरी वाले बिस्किट खाएंगे तो आप उनमें भी देखेंगे कि बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत अच्छी खुशबू आती है बेकरी वाले बिस्किट्स में, तो वो इसी रिएक्शन की वजह से आती है, ठीक है? ये एक ऐसा रिएक्शन है जो वहां पे आपका करवाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उसमें एक अच्छी खुशबू आए, अच्छा टेक्सचर, ब्राउन कलर का आपका थोड़ा सा उसमें कलर आता है इसको करवाने से। चलो बताओ, अब ये वाले क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये एक क्वेश्चन ऐसा था, हल्का सा आपका खतरनाक वाला क्वेश्चन था। चलो बताएंगे, समझ आया अब ये क्वेश्चन सभी को? चलिए बताइए, बताइए सभी स्टूडेंट्स, आ गया समझ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी बताएंगे सभी। अगर नहीं आया तो, क्योंकि फिर चला जाएगा सब आगे। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, अब तो क्वेश्चन यही क्वेश्चन था सबसे खतरनाक क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं, देखो क्या पूछा है आप लोगों से। देखो, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ठीक है? ऐसे ऐसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के ग्रुप बनाए थे तो कौन से साइंटिस्ट ने बनाए थे? सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, कि तीन तीन के ग्रुप किसने दिए थे? डॉबरनियर ने दिए थे, लॉथर मेयर ने, न्यूलैंड्स ने, या फिर मेंडेलीव ने? चलिए सभी आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। बताएंगे ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट। बेटा मैंने बोला है कि आपके तीन तीन जो आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तीन एलिमेंट्स के क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, ऐसा एक साइंटिस्ट ने बोला था, तो उस साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। चलिए बताएंगे सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर। देखो
ट्राइड्स का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो किन्होंने दिया था? डॉबर नियर ने दिया था। किसने? डॉबर नियर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। लॉथर मेयर ने क्या बोला था? लॉथर मेयर ने बोला था आपके जो क्या होंगे, आपके जो एलिमेंट्स अरेंज किए जाएंगे, एलिमेंट्स आपके अरेंज होंगे वो कैसे होंगे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग अटोमिक मास, कि जैसे जैसे आपका अटोमिक मास बढ़ेगा वैसे वैसे आपके एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा। ये बात किसने बोली थी? ये बात लॉथर मेयर ने दी थी। बताइए, क्लियर है? चलो, न्यूलैंड्स की बात करते हैं। न्यूलैंड्स ने क्या किया था? न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था। ये क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है कि हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट से सेम होंगी। ये वाली बात किसने बोली थी? न्यूलैंड्स ने बोली थी। आपसे पूछा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स या अष्टक नियम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूलैंड्स आपका सही आंसर होगा। ठीक है, डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव कौन है? मेंडलीव है आपके फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल पूछे जाएंगे तो कौन होंगे? मेंडलीव होंगे। ठीक है, चलो बताओ, जल्दी बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, आप लोग सही आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइए। हाँ, सौरभ ने एकदम सही जवाब दिया है कि दिख नहीं रहा है, केटी लाइन में घूम रही है मैम। चलिए बेटा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है? मेंडलीव है। सही आंसर क्या होगा? डॉबर मियर। डॉबर मियर ने आपका ट्राइड का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, चलो, 15 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम क्या मापते हैं? वर्षा, किसको? बारिश। ठीक है, बारिश को मापने वाली आपको इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। पूरे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर देंगे। एनीमोमीटर, स्लिंग साइक्रोमीटर, स्टैंडर्ड रेन गेज, हाइग्रोमीटर। चलो बताएंगे, एनीमोमीटर क्या होता है? जिससे हम किसको मापते हैं? विंड की स्पीड को, ठीक है, हवा की स्पीड को मापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। ठीक है, स्लिंग साइक्रोमीटर्स आपके क्या होते हैं? जो किसको मापते हैं? ह्यूमिडिटी को, वाटर वेपर्स को, ह्यूमिडिटी को। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड रेन गेज, इससे क्या करते हैं? रेनफॉल को आपके मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है कि कितनी वर्षा हुई, कितनी बारिश हुई, तो क्या होगा? सी ऑप्शन आपका सही होगा। हाइग्रोमीटर आपका क्या होता है? जिससे हम किसको मापते हैं? ह्यूमिडिटी को मापते हैं। किसको? ह्यूमिडिटी को मापते हैं। डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही होगा। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी है, यहाँ पर भी ह्यूमिडिटी है ना। अब आप लोग कह सकते हैं दोनों तो सेम हो गए मैम। ये देखिए, ये इसका क्या है, ये फर्स्ट वर्जन था, मतलब जब पहले यूज किए जाते थे हाइग्रोमीटर, मतलब ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट थे? वो स्लिंग साइक्रोमीटर्स यूज किए जाते थे। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी? हाइग्रोमीटर्स की। बताइए, अब क्लियर हो गया कि मतलब क्या ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि ये इसी की फॉर्म है, ये इसका प्रीवियस वर्जन है, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। हॉरिजॉन्टल रोज बताएंगे, लॉटरी क्वेश्चन, लॉटरी वाला क्वेश्चन। 26 मई 2000 पहली शिफ्ट में आया था, पहली शिफ्ट का पेपर कई बार आसान आ जाता है। चलिए बताएंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज बताएंगे। क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को? ग्रुप्स बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट्स। टाइम की कमी हो जाती है हम लोगों के पास डेली डेली, मैं डेली डेली सोचती हूँ कि थोड़ी बहुत बातें करूंगी लेकिन टाइम ही हो जाता है। चलिए, पीरियड्स हमारे क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा सी, बिल्कुल सौरभ का ठीक है। ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स।
ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करते हैं रखते हैं, किस कौन सी शेल्स में रखते हैं, एस पी डी एफ, ये चारों क्या है हमारी ऑर्बिटल्स होती हैं। ठीक है, चलिए। हाँ सही कह रहे हो सौरभ, पूरी क्लास में आज तो मतलब बाहर ना ड्रिल मशीन मतलब बंद ही नहीं हुई है, आवाज मेरी मतलब ठीक से आई नहीं रही होगी तुम लोगों को। चलिए बताइए, ठीक है समझ आ गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सी ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ पर इतना खतरनाक काम चल रहा है कि मेरी पूरी क्लास खराब करवा दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ बेरी बेरी, ठीक है आपको बताना है कि बेरी बेरी का सिम्टम कौन सा नहीं है। ठीक है चलो बताएंगे, धीरे धीरे ठीक होने वाला का, अरे भाई बीमारी बतानी है हमें। ठीक है, आंखों का अनैच्छिक हिलना मतलब अपने आप से आंखों का हिलना, बोलने में कठिनाई होना, या फिर अंगों में दर्द होना, ठीक है पैरों में दर्द होना। चलो चलो बताएंगे सही आंसर बताएंगे इसका। देखिए कौन सा सिम्टम नहीं है बेरी बेरी का। अब देखो जो बीमारी है वो ठीक कैसे करवाएगी, है ना, ये है धीरे धीरे ठीक होने वाले घाव। भाई देखो कॉमन सेंस क्यों नहीं लगाते हो तुम लोग, पता बुद्धि क्यों नहीं लगाते हो, बीमारी है, बीमारी है तो क्या करेगी, नुकसान करेगी। पहला ऑप्शन देखना जरा क्या दे रखा है, बुद्धि लगाओ, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, जल्दी लगाओ। बिल्कुल रोहित, तैयारी तो जब आपका दिल कर रहा है ना तैयारी शुरू कर दो, ठीक है इतना टाइम आराम से लग जाता है, 1-1.5 साल आप लोगों को पूरी तैयारी करने में लग जाता है आराम से। देखो सारे डी दे रहे हैं। अभी एक बात बताओ, नॉट बताना है बेटा, सिम्टम नहीं है, कोई बीमारी होगी तो हम ठीक कैसे होंगे, एक बात बताओ तुम लोग। हाँ अब लगाई ना बुद्धि। चलो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, गलत कौन सा है इनमें से, और कौन सी यूनिट बतानी है, जूल पर किलोग्राम केल्विन के हिसाब से बतानी है। ठीक है चलो मुझे भी यही नहीं समझ आता। देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की 900 होती है बतानी है, वाटर की 1200 होती है, कार्बन की 506, टंगस्टन की 134। सही आंसर बताएंगे कौन सा इनकरेक्ट पेयर है इसमें से, बताइए। ठीक है, वाटर, वाटर की कितनी होती है, 4181 जूल पर किलोग्राम केल्विन ये होती है। ठीक है तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है चलिए बताएंगे, क्लियर है। कितनी होती है पानी की, 4181 होती है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ द, हाँ चलो बताओ क्या है आपके बड़े जॉलेस, जॉलेस मतलब जॉ नहीं होती जिनमें, ऐसे सकलिंग माउथ वाले, ठीक है जिनके लिम्स नहीं है, वो कंप्लीटली कार्टिलेजनस, देखो ये वर्ड दे रखा है कार्टिलेजनस, हमारे हमारे अंदर भी होती है कार्टिलेजनस बोन्स, जो हमारी कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन्स होती हैं। क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं। आज तो मैंने पानी भी नहीं पिया, अतुल ने याद दिलाया पानी पी लो मैम, अब तो हो ही गई क्लास बताइए कौन सा आपका ग्रुप होता है, वो बताएंगे। साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं, आस्केलमिन से, हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोड, ऐसे कौन से फाइलम्स हैं जो क्या करेंगे, जो आप जिनकी जॉ नहीं होती है, जिनके पास लिम्स नहीं, पैर नहीं होते, जिनके पंख नहीं होते हैं, ठीक है और ये क्या होते हैं, इनके पास कार्टिलेजेनियस स्केलेटन होता है, तो वो उनका नाम बताना है आप लोगों को। चलो बताओ आज ना आज बाहर जो ड्रिल मशीन चल रही थी ना, इसने मेरी कंसंट्रेशन खराब कर दी। तुम लोगों ये एक बात बताओ, आज की क्लास तुम लोगों को ठीक से सुनाई थी, मुझे यही नहीं पता कि आप लोगों के पास मेरी आवाज ठीक से गई है या नहीं गई है। ऑलमोस्ट आप लोग प्रेजेंट तो थे, ये तो है, लेकिन आवाज पता नहीं कैसी जा रही थी। चलिए आंसर देंगे इस क्वेश्चन का, क्या होगा कि जिनके पास ना जॉ है, ना जिनके पास पंख है,
ना जिन किस कुछ नहीं है लोगों के पास, पिस क्या है, कार्टिलेजेनस स्केलेटन है। कार्टिलेजेनस क्या है, कार्टिलेजेनस आपका है फ्लेक्सिबल बोन्स होती है, क्या होती है, लचीली हड्डियां होती है हमारी। देखो नाक ऐसे हिलाओगे, कार्टिलेजेनस है, इधर कान ऐसे ऐसे हिलाओगे, कार्टिलेजेनस बोन्स प्रेजेंट है इस वजह से। ठीक है, अपनी भी हिला के देखो, हिलती है, सबकी हिलती है। चलो तो क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन आप लोगों का क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए बताइए, क्लियर है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल कौन से होंगे इसमें, हैग फिश, इनके एग्जाम्पल अलग ही लेवल के होते हैं, हैग फिश। ठीक है, दूसरा लैम्प्रेज, ये इसके एग्जाम्पल हैं बाय चांस अगर पूछ लिए जाएं आप लोगों से। आस्केलमिंस मैंने बताए थे क्या होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं, क्या होते हैं, नीमेटोड्स होते हैं, है ना। नीमेटोड्स भी हम किसको बोलते हैं, आस्केलमिंस को बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपका, आ गया पिनवॉर्म, राउंड वॉर्म, है ना, और हुक वॉर्म, ये सब इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए बताओ राउंड वॉर्म किसके अंदर आता है, कितनी बार आ चुका है ये वाला पेपर क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, चलिए बताएंगे। आर्थ्रोपॉड हमारे क्या होते हैं, आर्थ्रोपॉड में हमारे नॉर्मल आते हैं जो भी स्कॉर्पियंस, इंसेक्ट्स, ठीक है, जितने भी होते हैं वो सब आपके किस में आते हैं, आर्थ्रोपॉड्स में। और लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, कल ही बताया था, फटाफट से आंसर दे देंगे। लार्जेस्ट फाइलम, सबसे बड़ा फाइलम आप लोगों का कौन सा होता है, आर्थ्रोपॉड, कौन सा होता है, आर्थ्रोपॉड होता है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी क्वेश्चन आया था पेपर में, मॉल्यूस्क, कौन सा है, मॉल्यूस्क। चलिए बताइए, क्लियर है। चलो ये आप लोगों की आंसर की, आप लोगों की कल की पीडीएफ, आप लोगों की आज की पीडीएफ केडी लाइव पर अपलोड करवा दी जाएगी, आप लोग रिवाइज कर लेंगे पूरी क्लास को एक बार अच्छे से। ठीक है, सभी स्टूडेंट, चलिए तो सभी बताएंगे सेशन आप लोगों का कैसा रहा, कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। हाँ, आज टाइम पे मैंने शायद लेकिन मैं बात नहीं कर पाई आज, देखा आज मैंने 1 मिनट भी नहीं रुकी, मैं लगातार मैं आप लोगों से मतलब पढ़ा रही हूँ, लगातार 1 घंटे मैंने बोला है, 1 घंटे पढ़ाया है आप लोगों को। चलिए बताएंगे, ये देखो मैम बहुत हंसी आ रही है, बताओ क्यों हंसी आ रही है, क्या मिल गया ऐसा, बताओ बताओ क्या मिल गया शायरी, शायर जी, अरे यार शायरी तो टाइम ही हो जाता है, बताओ क्या करूं। चलो पानी पी लेती हूँ, इतने तुम लोग मुझे अच्छे अच्छे कम अच्छे अच्छे वो बताओ, सब लोगों को क्लास कैसी लगी, सभी बताएंगे, चलो जल्दी से, चलो बताओ जल्दी से, इतने में तुम लोगों के लिए। मेरी पानी की बॉटल कहाँ गई, ये रही, चलो बताएंगे सभी। चलिए बताएंगे, भाई बहुत आज तो गला मतलब एकदम ऐसे हो गया था खतरनाक। कैलकुलेशन के लिए अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है तो आप लोग, सैटरडे को क्लास होती है आनंद सर की, 2 बजे आपकी केडी लाइव पर क्लास होती है, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी की भी कैलकुलेशन वीक है, किसी को कैलकुलेशन अच्छी करनी है, फास्ट करनी है, तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी सैटरडे 2 बजे वो क्लास लाइव होती है आपकी केडी लाइव पर, ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको केडी लाइव के आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है विक्रम, चलिए बताएंगे सभी। ठीक है, तो चलिए ये देखो, इन्होंने तो भेज भी दिया, दिल का दरवाजा दिल के अंदर नहीं होता, नदी के किनारे समुद्र नहीं होता। अरे यार आधी क्यों है ये, पूरी करो इसको ठीक है, चलिए
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। कल आप लोगों के लिए पक्का शायरी लेकर आऊंगी, कल पक्का शायरी। कल मैं थोड़ी जल्दी टाइम जल्दी क्लास को क्लोज करेंगे और फिर आपको शायरी जरूर देकर जाऊंगी कल, ठीक है? कल पक्का सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे सेशन को अगेन कल, ठीक है? और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ज्वाइन करके, ठीक है? आई एम ऑल्सो वेरी लकी टू हैव योर वंडरफुल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। चलिए ये देखो, यूं तो हजारों आशिक है ए ऐसे ऐसे आशिक वाशिक वाले नहीं देना, ठीक है? चलो ठीक है, आज की क्लास खत्म करें चलें। चलिए अभी आज की क्लास हम खत्म करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? सभी स्टूडेंट से कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच सौरभ, थैंक यू सो मच। कितनी बातें बनाते हो तुम लोग। तुम लोगों के लिए ना एक स्पेशल मैं बोलूंगी, मैंने कहा सर एक सेशन मेरे बच्चों के साथ ना सिर्फ बातें करने के लिए रख दीजिए, कि बच्चे ना बहुत एक्साइटेड हैं बातें करने के लिए। बताओ सही रहेगा? डेली आप लोग लाइव रहेंगे, 3 बजे क्लास में डेली प्रेजेंट रहेंगे, 3 से 4 मैं आप लोगों के साथ सीएचएसएल की प्रैक्टिस सीरीज हम लोगों की चल रही है, जब ये खत्म हो जाएगी तो हम सीजीएल की प्रैक्टिस सीरीज करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, ठीक है? कल आप लोगों के लिए मैं शायरी भी लेकर आऊंगी, ठीक है? और कल थोड़ा जल्दी क्लास को बंद करेंगे, फिर आप लोगों को शायरी दूंगी अच्छी सी, ठीक है? चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच।